सौदागर की मृत्यु होने वाली होती है तो वो अपने पुत्र को बुलाता है और दो हीरे देता है। बोले ये दो हीरे है, इसमें एक कांच का टुकड़ा है और एक हीरा है, तो तुम अपने पास रख लो। वो रख लेता है। वो सौदागर का लड़का बड़ा इंटेलिजेंट होता है, वो बोलता है इसका मैं कैसे यूज किया जाए। तो वो सब राजाओं के दरबार में जाने लगता है और राजाओं के दरबार में जाके बोलता है कि राजा जी मेरे पास दो हीरे हैं, आपके यहाँ कोई पारखी है, कोई हीरे का जानकार हो, अगर ये बता देवे कि इसमें हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है तो मैं हीरा आपको दे दूंगा, और नहीं तो हीरे की जितनी वैल्यू होगी उतनी आपको देनी पड़ेगी। तब सब राजाओं की इज्जत की सवाल हो जाती है, तो सब राजा लोग इस बात को, तो जहां भी जाता है वो जीत जाता है और पैसा इकट्ठा करते जाता है। पैसा इकट्ठा करते करते कई राज्य जीत लेता है, कोई बता नहीं पाता कि एक्चुअली हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है। हाँ, वो सब जगह जाता है। लास्ट में जब वो आ रहा होता है तो एक गरीब राजा होता है, उसका कोई महल वहल होता नहीं, तो वो पेड़ के नीचे ही अपना दरबार चलाता है और वहां आता है। बोला राजा जी, हाँ। बोले वही बात दोहराता है कि राजा जी मेरे पास दो हीरे हैं, इसमें आप मुझे बताइए कांच का टुकड़ा कौन सा है और हीरा कौन सा है। अब बोले यार देखो, अभी आपने बोला है, अब उसकी भी इज्जत की सवाल बन जाती है। तो सभी बैठे, सब मुंह लटका रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग आदमी जिसकी आंखें नहीं है, ऊपर आसमान में सूरज चमक रहा है, धूप हो रही है जोरदार, और वो आते हैं। बोले राजा जी आपकी अगर परमिशन हो तो मैं चेक कर लूं। बोले ठीक है, अपनी इज्जत की बात है, तुम करो। जैसे ही चेक करता है वो बता देता है कि ये कांच का टुकड़ा है और ये हीरा है। तो वो सौदागर ताजुब करता है कि आपने बताया कैसे, मैं कई राजाओं के पास गया कोई बता नहीं पाया, आपने बताया। बोले जो कांच का टुकड़ा है वो गर्म हो जाता है और जो हीरा है वो ठंडा रहता है। तो आदमी भी जो बात बात में बिफर जाता है ना, बात बात में जो गुस्सा करता है ना, वो कांच का टुकड़ा है, वो कांच का टुकड़ा है, और जो ठंडे दिमाग से रहता है ना, हर बात को सोच समझ के करता है, वो रियल हीरा है। वाह भाई वाह।